जय। इलेक्शन खत्म, तिपरासा लोगों को सब भूल जाता। तो ये राजनीति से कुछ नहीं होने वाला मुझको लगता है। बहुत अच्छे लोग भी हैं, यहां में है, मेवार है हमारा रविंद्र, फिर से लड़ेगा इलेक्शन, मैं जानता हूं। मैं बोलूंगा मत लड़ो, तभी भी लड़ेगा। अनिमेश को बोलेगा मत लड़ो, वो लड़ेगा ही लड़ेगा। तो इनको मैं नहीं बोलना चाहता हूं इलेक्शन मत लड़ो, मानव का भी अधिकार है, लड़ने दीजिए, अधिकार है। बुबागरा को लगा कि लीडर तो इतना है, पॉलिटिकल पार्टीज तो इतना है, लेकिन दोफा को एक करने के लिए, दोफा को एक करने के लिए जो दिल्ली जाकर जो दिल का अंदर का बात है वो कौन बोलेगा। मेरा रैली है 11 तारीख को पिपरा, द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। मैंने सबको बोला है आने के लिए। कोई बोलता है बुबागरा आपने अपना दल क्यों शुरू किया, मेरा दल में पॉलिटिक्स नहीं है, वो पॉलिटिकल संगठन नहीं है, वो दोफा के लिए एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब मैं कांग्रेस में था तो आईएनपीटी का लोग हमसे बैठता था, अगर मैं बीजेपी में जाता तो दूसरा लोग बैठता मेरे संग। लेकिन अगर बुबागरा अपना इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस शुरू करेगा पिपरा, तो हमसे हमारा संग बैठे में आपको क्या शर्म। पॉलिटिक्स हर चीज का समाधान नहीं होता। सब करेंगे, आप लोग समझ लो। 11 तारीख को मेरा भी खुमुलुंग में प्रोग्राम है, 11 तारीख खुमुलुंग में, और मैंने सबको निमंत्रण दिया है। 11 तारीख 12 बजे खुमुलुंग में बुबागरा का प्रोग्राम है, उसमें कोई आईएनपीटी नहीं होगा, कोई आईपीएफटी टीपीएफ नहीं होगा, उसमें टीएसएफ अतिसा नहीं होगा, उसमें सिर्फ तिपरासा होगा। और आप लोग समझ लो, नेता हो या ना हो, अगर दोफा एक हो जाए तो अगर तला वहां में है, दिल्ली उधर में है, लेकिन अगर दोफा एक हो जाए, जैसा रियंका इशू को हमने एक संग लाया है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर सीए का विरोध करेंगे, एनआरसी भी लाएंगे त्रिपुरा में, और हम आने वाले दिन में, ये राज्य आपका है, ये भविष्य आपका है, और ये बुबागरा और अब कोई पार्टी का नहीं है, ये बुबागरा भी आपका है। तो सब 11 तारीख को, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक मैसेज दिल्ली को जाना चाहिए। विजय रंगखोल, एनसी देव वर्मा, मेवार, अनिमेश, पटल कन्या, हम लोग सब एक हैं, और एक आवाज में हम लोग सब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करेंगे, शांति से करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे। यहां में आज प्रोग्राम अच्छे से हुआ है, आप लोग शांति से